सो गाइस अंडर 25,000 अगर हम फोन लेने निकले और उसमें से हमें दो ऑप्शन मिले, Xiaomi Mi 11X और Mi 11 Lite NE 5G, दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा, कौन से यूजर को कौन सा पसंद आएगा, आज जो है इन दोनों के बीच में से एक बेस्ट ऑप्शन आपको हम निकाल के देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल में पहली बार तशरीफ ला रहे हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में आपके साथ मिस ना हो। समझे क्या? क्योंकि आपको उनके चैनल में आने के बाद अपन को तुम भुला नहीं सकता, कुकू के माफिक। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बॉडी एंड डिजाइन के बारे में। दोनों ही फोन यहाँ पर दिखने में काफी कमाल लगते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। मेरे को ये दोनों कलर पसंद आए। यहाँ पर ये जो कलर है अलग अलग कलर शो कर रहा है, एंड ये व्हाइट जो है यहाँ पर मार्बल वाला कलर शो करता है, एंड कैमरा जो है ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल रहा होगा, उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। ब्रांडिंग में यहाँ पर लिखी हुई है। सो डिजाइन में जो है बैक में दोनों में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन यहाँ पर काफी कमाल है। बट जब यहाँ पर बात आती है भैया फोन कौन सा यहां पर लाइट वेट है, कौन सा हैवी है, तो डेफिनेटली Xiaomi 11 Lite NE 5G काफी लाइट वेट है। आप अगर इन दोनों को हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा भैया ये स्लिमेस्ट एंड सबसे लाइटेस्ट फोन है यहाँ पर 2021 का। एक और था इसका भाई Motorola Edge 20, उससे भी ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर लाइट वेट है। सो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है इतना, मतलब कि लाइट वेट फोन को इजीली आप कैरी अराउंड कर सकते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन बटन यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, एंड डिजाइन के मामले में ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों में ही आपको यहाँ पर कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। Xiaomi वाले यहाँ पर सी टाइप 2 ऑक्सिलरी का केबल जो है वो इन द बॉक्स देते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। सो डिजाइन के मामले में दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर वेट का फर्क है। वेट जो है थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर Mi 11X का है, एंड काफी लाइट वेट हमारा Mi 11 Lite NE 5G हो जाता है। नाउ यहाँ पर अगला पॉइंट आता है डिस्प्ले क्वालिटी। तो डिस्प्ले जो है हमें अलग अलग वेराइटी के जो है रंगीनियां देखने के लिए डिस्प्ले जो है अच्छा होना मांगता है। सो यहाँ पर दोनों में ही काफी अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जो चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर Mi 11X में एक प्लस पॉइंट है कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज की मिलती है, एंड 120 एंड 90 हर्ट्ज में थोड़ा सा डेफिनेटली फर्क आता है। डे टू डे लाइफ में अगर आप स्क्रॉलिंग भी कर रहे हो या यहाँ पर आप कुछ और कंटेंट व्यूइंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली यहाँ पर फर्क आता है। उसके बाद यहाँ पर Xiaomi 11 Lite NE 5G में एक प्लस पॉइंट ये है कि HDR Dolby सपोर्टेड है। इस बजट में जो है ये पहला फोन है जिसमें HDR Dolby का सपोर्ट है। कैमरा में नहीं, यहाँ पर कंटेंट व्यूइंग में बहुत सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होगी जिसमें Dolby नीचे लिखा हुआ आता होगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क होता है। अदरवाइज जो है आपको क्वालिटी दोनों में ही सेम देखने को मिलती है। सो डिस्प्ले में यहाँ पर आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। HDR कंटेंट आप दोनों में व्यू कर सकते हैं, एंड कलर्स वगैरह प्रोडक्शन सब कुछ दोनों में ही अच्छा, बट ज्यादा ब्राइट यहां पर Mi 11X निकल के आता है। Xiaomi 11 Lite NE 5G भी ब्राइट है, बट ये जो है यहां पर Mi 11X इससे ज्यादा ब्राइट है। धूप में जो है आपके लिए आसानी होगी Mi 11X के साथ। ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स, कलर्स वगैरह, शार्पनेस दोनों ही फोन में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पर साउंड की तो दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सो ऊपर नीचे दोनों साइड से आपको सराउंड साउंड की जो है बिल्कुल यहाँ पर मजा आ जाएगा। यहाँ पर साउंड के सैंपल भी मैं सुना देता हूँ, पहले Mi 11 Lite NE 5G में। तो साउंड क्वालिटी के मामले में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर Mi 11X को मिलता है कि आपको Dolby इसमें एटमॉस देखने को मिल जाता है, जिससे आपका साउंड थोड़ा एनहांस हो जाता है Mi 11 Lite NE 5G के मुकाबले। नाउ अगला पॉइंट आता है नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। सो यहाँ पर जो है ज्यादा 5G के बैंड्स आपको Mi 11 Lite NE 5G में देखने को मिलते हैं। 11 शायद यहाँ पर बैंड आपको देखने को मिलते हैं। सो आने वाले टाइम में कभी भी किसी में भी 5G लॉन्च होगा, आपका Xiaomi 11 Lite NE 5G में जो है 5G खुद ही चल के आ जाएगा। वहीं पे बात करें Mi 11X की, इसमें शायद आपको दो 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। सो वो जो है मेजर वही बैंड है जिसमें 5G आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा बैंड के मामले में
11 Lite Any 5G ले जाता है भैया। उसके अलावा यहाँ पर वाईफाई में दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है यहाँ पर वाईफाई में। कॉलिंग के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आई है। बट यहाँ पर बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में भैया प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिसिंग। सो जब भी कॉल वगैरह आती है तो यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर का यूज होता है। अगर आप फोन को कान के पास लगाते हैं वो यहाँ पर मोशन को डिटेक्ट करके आपको फोन को ऑफ करता है। तो एक्यूरेट नहीं है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा वो 100% एक्यूरेट के साथ नहीं चलता है। किसी किसी सिनेरियो में भैया फोन लगा रहा है, कान में लाइट भी जल रही है, बैटरी खा रहा है, तो ये दिक्कतें हो जाती है। आप अपने जानू मानू सोना के साथ लगे हुए हैं, बैटरी यहाँ पर डुल लुल। डेफिनेटली यहाँ पर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में 11 Lite Any 5G को थोड़े से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा 5G के बैंड्स इसमें मिल जाते हैं आपको। नाउ अगला पॉइंट आता है UI एंड सॉफ्टवेयर। तो दोनों में ही आपको यहाँ पर Xiaomi का मेम UI देखने को मिल जाता है, एंड दोनों में ही यहाँ पर लेटेस्ट जो है MIUI 12.5 एनहेंस्ड वर्जन दोनों में ही देखने को मिलता है। इसमें कुछ एक अपडेट भी आ रखा है, अभी इसमें ऑलरेडी अपडेट आ चुका है। इसमें अगस्त का सिक्योरिटी पैच है। सो Mi 11X में थोड़ा सा अपडेट जो है काफी टाइम बाद देते हैं। पहले बोलते हैं भैया फोन ले लो उसके बाद हर महीने अपडेट देंगे, उसके बाद जैसे ही फोन ले लिया उसके बाद बोलते खत्म टाटा बाय बाय। तो अभी जो है MIUI 12.5 एनहांस्ड वर्जन आने के बाद दोनों में काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। बट किसी किसी सिनारियो में यहाँ पर Mi 11X थोड़ा ज्यादा हीट हो जाता है। मैंने बहुत बार गेमिंग के टाइम पे इसे टेस्टिंग करके देखा, बहुत ज्यादा यहाँ पर ये कभी कभी ओवर थ्रॉटल कर देता है, उसके बाद हीटिंग के कुछ इश्यूज आते हैं। ओवरऑल UI एंड सॉफ्टवेयर में आपको दोनों में ही सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में मेम UI ही है। जैसा मर्जी चाहिए उसे वैसा कर लीजिए, बग्स वगैरह उसमें रहेंगे एंड कुछ कुछ आपको एडिशनल कस्टमाइजेशन डेफिनेटली उसमें मिल ही जाएंगे। नाउ अगला सेगमेंट आता है यहाँ पर कैमरा का। सो कैमरा की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसमें आपके यहाँ पर ज्यादा अच्छे से थॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैमरा दोनों में से कौन सा बेस्ट है। बट इन शॉर्ट मैं आपको स्टिल यहाँ पर बता देता हूँ, Mi 11X में स्नैपड्रैगन 870 है, तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग बहुत जल्दी कर देता है। ऑल्दो 11 Lite Any 5G में भी 778G है जो अच्छा खासा प्रोसेसर है वो भी करता है, बट Mi 11X के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर वो डिले करता है। बट अगर हम बात करें फोटो की, तो यहाँ पर जब लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो फोटो दोनों में ही अच्छी खासी आ जाती है, बट जैसे जैसे लाइटिंग कंडीशन कम होती है यहाँ पर दोनों में ही आपको अच्छी खासी फोटो देखने को नहीं मिलती है। सो अगर कैमरा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों में ही मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज दोनों रमेश सुरेश भाई के जैसे डिटो सेम है। बट एक अच्छी बात है, दोनों फोन के लिए आपको गूगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अच्छी खासी फोटो खींच सकते हैं। नहीं जानते गूगल कैमरा के बारे में तो यहाँ पर हमने Mi 11X पे बेस्ड एक गूगल कैमरा की वीडियो बनाई, आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन जाके जरूर देखिए। ना बात करें परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के बारे में, तो यहाँ पर 778G आपको मिल जाता है Mi 11 Lite Any 5G में, एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है Mi 11X में। दोनों स्नैपड्रैगन भाई भाई हैं, बट यहाँ पर बड़ा भैया Mi 11X का स्नैपड्रैगन 870 है, क्योंकि ये फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। इसमें आप गेमिंग कर लीजिए, मल्टीटास्किंग कर लीजिए, हर चीज ये अप टू द मार्क करता है। सो डेफिनेटली Mi 11X ज्यादा बेटर है यहाँ पर 778G से। बट ऐसा मत सोचिए कि 778G 700 सीरीज का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर ये जो है टाइम टाइम फेस वाला प्रोसेसर है भैया, ये स्नैपड्रैगन 865 के अराउंड इसके जो है स्कोर्स वगैरह आते हैं, एंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है ये डे टू डे लाइफ में भी, एंड गेमिंग में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए, आपको दोनों के परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाएगा। नाउ अगला पॉइंट आता है यहाँ पर बैटरी बैकअप, एंड बैटरी बैकअप के मामले में भी दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं। किसी किसी सिनारियो में मैंने देखा कि Mi 11 Lite Any 5G थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर मेम UI 12.5 इसमें अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, रेदर देन इसमें भी ऑप्टिमाइज्ड है, बट किसी किसी सिनारियो में 11 Lite Any 5G में हमें ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज बात करें तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूसेज करते हैं। अगर ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो आप पकड़ के चलिए 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। सुनाओ गाइस, यहाँ पर सारी बातें हमने कर ली, अब यहाँ पर आता है भैया दोनों में से कौन सा फोन बेटर रहेगा किस यूजर के लिए।
सो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं, आपके लिए परफॉर्मेंस ही टॉप प्रियोरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं, आपको बाकी चीज़ों का जो है सब कुछ का मिश्रण थोड़ा बहुत चल जाएगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मी 11X के साथ जा सकते हैं। ये ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा देन मी 11 लाइट NE 5G। यहीं पे अगर परफॉर्मेंस आपके लिए टॉप प्रियोरिटी नहीं है, आपको एक लाइट वेट, एक मतलब कंपेटेबल फ़ोन चाहिए जिसे आप इजीली कैरी अराउंड कर सकते हैं, दिखने में भी अच्छा हो, ऑल दो वो वाला फ़ोन भी अच्छा है बट ज़्यादा लाइट वेट ये है, ज़्यादा मतलब हैंडी ये फील होता है, ईजिली आप इसे कैरी अराउंड कर सकते हैं एंड बाकी सारे भी जो है चीज़ें आपको अच्छी खासी मिल जाती है। कैमरा डिसेंट है, प्रोसेसर डिसेंट है, सब कुछ यहाँ पर डिसेंट है, इवन ज़्यादा 5G के बैंड देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप Xiaomi 11 Lite NE 5G के साथ जा सकते हैं। सो आई होप सो गाइज यहाँ पर आपके मन की दुविधा क्लियर हो गई होगी कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप कस्टम रोम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दोनों में ही आपको कस्टम रोम डेफिनेटली मिलेगी। मी 11X में आपको ऑलरेडी मिल रही है यहाँ पर बहुत सारी एंड 11 लाइट NE 5G में भी बहुत जल्द आपको कस्टम रोम वगैरह देखने को मिल जाएगी। सो गाइज आई होप सो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग थाउजेंड फॉर वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।